भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने चेतेश्वर पुजारा को बलि का बकरा बनाए जाने और अगले महीने वेस्टइंडीज में होने वाले दो टेस्ट मैचों के लिए शानदार परफॉर्मर सरफराज खान को नजरअंदाज करने के लिए राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की आलोचना की है। सरफराज के नहीं चुने जाने का जिक्र करते हुए गावस्कर ने रणजी ट्रॉफी के आयोजन के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया। अगर भारतीय टेस्ट टीमों को चुनते समय देश के प्रमुख घरेलू टूर्नामेंट में प्रदर्शन के बजाय आईपीएल में खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाता है तो फिर रणजी क्रिकेट क्यों ही खेला जाता है। गावस्कर ने कहा, मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान पिछले 3 सीजन से 100 की औसत से रन बना रहे हैं। टीम में चुने जाने के लिए उन्हें क्या करना होगा? हो सकता है कि वो प्लेइंग 11 में ना हो, लेकिन आप उन्हें टीम में चुने। उन्होंने पुजारा के बारे में कहा, उन्हें हमारी बल्लेबाजी की विफलताओं के लिए बलि का बकरा क्यों बनाया गया है। वो भारतीय क्रिकेट के एक वफादार सेवक, एक शांत और सक्षम व्यक्ति रहे हैं, लेकिन चूंकि किसी भी मंच पर उनके लाखों फॉलोअर्स नहीं हैं, जो उनके ड्रॉप होने पर शोर मचाएंगे, आप उसे ड्रॉप कर देते हैं। यह समझ से परे की बात है।